सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं जूम ऐप पे ड्यूरिंग स्क्रीन शेयरिंग पार्टिसिपेंट ने एडमिन की स्क्रीन को कैसे कंट्रोल करना है, एडमिन ने पार्टिसिपेंट की स्क्रीन को कैसे कंट्रोल करना है, जैसे हम टीम व्यूअर या फिर एनी डेस्क पे करते हैं। ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, लेफ्ट लैपटॉप को मैं एडमिन लैपटॉप यूज करूंगा, राइट लैपटॉप को मैं पार्टिसिपेंट लैपटॉप यूज करूंगा। पहले हम यहां एडमिन लैपटॉप से जूम को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपके पास यहां पे ऑप्शन शो होगी माइक्रोफोन को अनेबल या डिसेबल करने की, माइक्रोफोन में स्विच करने की। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पे शो होगी कैमरा को अनेबल या डिसेबल करने की, कैमरा में स्विच करने की। दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं राइट लैपटॉप से मीटिंग को ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास लिंक अवेलेबल है। दोस्तों, एज ए पार्टिसिपेंट आपका लॉगिन होना कंपलसरी नहीं है, जस्ट आप मीटिंग को ज्वाइन करके माउस को कंट्रोल कर सकते हो। और जैसे पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट सेंड करे तो एडमिन एडमिट पे क्लिक करके मीटिंग में एडमिट कर लेगा पार्टिसिपेंट को। दोस्तों, यहाँ पे दोनों एंड से मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और पार्टिसिपेंट के पास भी यहाँ पे सेम ऑप्शन शो हो रही है, माइक्रोफोन को अनेबल डिसेबल करने की एंड कैमरा को अनेबल डिसेबल करने की। पहले हम देखें कि पार्टिसिपेंट ने एडमिन के माउस को कैसे कंट्रोल करना है और बाद में हम देखें कि एडमिन ने पार्टिसिपेंट के माउस को कैसे कंट्रोल करना है। तो पहले हम यहाँ एडमिन लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन शो होगी एंटायर स्क्रीन शेयर करने की, व्हाइट बोर्ड या फिर पर्टिकुलर विंडो को शेयर करने की ऑप्शन शो होगी। जैसे अभी यहाँ पे मैं एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करके स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और दूसरी तरफ यहाँ पे पार्टिसिपेंट के पास भी स्क्रीन शेयरिंग शो होनी स्टार्ट हो गई है। जो भी मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, सेम टू सेम पार्टिसिपेंट के पास भी यहाँ पे शो हो रहा है। दोस्तों, माउस को कैसे कंट्रोल करना है पार्टिसिपेंट ने, तो उसके लिए पार्टिसिपेंट ने यहाँ व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके पहले यहाँ पे शो होगा यू आर व्यूइंग मनदीप्स स्क्रीन। तो आपने यहाँ पे एज ए पार्टिसिपेंट व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपने रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा एंड एडमिन के पास अप्रूवल जाएगी, तो जैसे ही एडमिन अप्रूव कर देगा तो यहाँ पे माउस कंट्रोल स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अबाउट 20-30 सेकंड के बाद यहाँ पे आपके पास कंट्रोल आ जाएगा। और दोस्तों, अभी यहाँ पे एडमिन भी अपने माउस को मूव कर सकता है और पार्टिसिपेंट भी एडमिन के माउस को मूव कर सकता है। अभी जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, मनदीप दुल्ट। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे सेम टू सेम एडमिन के लैपटॉप पे भी शो होगा। और जैसे अभी यहाँ पे मैं इमेजेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो एडमिन लैपटॉप से भी सेम टू सेम ओपन हो रहा है और एडमिन भी यहाँ पे ओपन कर सकता है। दोनों तरफ यहाँ पे कंट्रोल होगा, एडमिन के पास भी कंट्रोल होगा स्क्रीन का एंड पार्टिसिपेंट के पास भी कंट्रोल होगा। दोस्तों, दोनों तरफ कंट्रोल होगा, आप दोनों तरफ से स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं इमेज को सेव कर रहा हूँ, जैसे आप सेव एज इमेज पे क्लिक करोगे एंड लोकेशन चूज करके फोटो को सेव कर सकते हो, इमेज को सेव कर सकते हो। दोस्तों, ये इमेज एडमिन लैपटॉप में सेव हुई है, पार्टिसिपेंट लैपटॉप में सेव नहीं हुई। पार्टिसिपेंट तो यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल कर रहा है। और अभी हम देखने वाले हैं कि एडमिन ने पार्टिसिपेंट की स्क्रीन को कैसे कंट्रोल करना है। एंड दोस्तों, अगर आप कंट्रोल को रिटर्न करना चाहते हो, मींस आप कंट्रोल वापस देना चाहते हो, तो आपने यहाँ व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है, गिव अप रिमोट कंट्रोल पे क्लिक करके आप कंट्रोल को लीव कर सकते हो एज ए पार्टिसिपेंट। और अगर आप कंट्रोल को स्टॉप करना चाहते हो, आपको स्क्रीन शेयरिंग ही स्टॉप करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कंट्रोल स्टॉप होगा। दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं पार्टिसिपेंट कैसे एडमिन को कंट्रोल दे सकता है, उसके लिए स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। जैसे ही आप यहां स्क्रीन शेयर पे क्लिक करोगे, अगर स्क्रीन शेयरिंग अनेबल है तो
तो ये आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो एज ए पार्टिसिपेंट। अभी यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयरिंग अनेबल कर दी है, मैं फिर से यहाँ पे स्क्रीन शेयर पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से फिर से मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई है। अभी जैसे यहाँ पे मैं जो भी ओपन करूँगा सेम टू सेम एडमिन लैपटॉप पे भी शो होगा। और जैसे यहाँ पे एडमिन व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेगा, रिक्वेस्ट मोड कंट्रोल पे क्लिक करेगा एंड रिक्वेस्ट करेगा माउस कंट्रोल के लिए, और उसके बाद पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा। तो अभी यहाँ पे एडमिन भी पार्टिसिपेंट की स्क्रीन को कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे भी अबाउट 20-30 सेकंड्स लगेंगे। और जहाँ पे अभी जो भी मैं यहाँ पे सर्च करूँगा सेम टू सेम एडमिन जो भी सर्च करेगा पार्टिसिपेंट लैपटॉप पे भी सेम टू सेम सर्च हो जाएगा। दोस्तों दोनों तरफ से ही माउस कंट्रोल रहेगा, दोनों तरफ से ही आप सर्च कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो भी एडमिन सेव करेगा सर्च करेगा तो पार्टिसिपेंट लैपटॉप में ही सेव होगा, पार्टिसिपेंट लैपटॉप में ही सर्च होगा। तो दोस्तों इस टाइप से आप एज ए एडमिन पार्टिसिपेंट की स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो एंड व्यू ऑप्शन पे क्लिक करके आप गिव अप कंट्रोल पे क्लिक करके कंट्रोल को लीव कर सकते हो। अभी यहाँ पे एडमिन के पास पार्टिसिपेंट का कंट्रोल नहीं है। अभी यहाँ पे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ लेकिन पार्टिसिपेंट लैपटॉप पे माउस मूव नहीं हो रहा। तो फिर से कंट्रोल के लिए आपने यहाँ व्यू ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से रिक्वेस्ट मोड कंट्रोल पे क्लिक करना है, फिर से आप कंट्रोल ले सकते हो। अगर पार्टिसिपेंट या फिर एडमिन कंट्रोल को डिक्लाइन करना चाहता है तो डिक्लाइन भी कर सकता है। दोस्तों अगर आपकी जूम या किसी अदर एजुकेशन ऐप की कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।